उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने किरतपुर नेरचौक मनाली फोर लेन परियोजना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में फोर लेन के कार्य की प्रगति का जायजा लिया और सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए परियोजना से जुड़ी अड़चनों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने किरतपुर नेरचौक मनाली फोर लेन परियोजना के काम में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में फोर लेन के कार्य की प्रगति का जायजा लिया और सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए परियोजना से जुड़ी अड़चनों को जल्द निपटाने की बात कही। ऋग्वेद ठाकुर ने निर्देश दिए की परियोजना की जद में आने वाले भवनों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जिन प्रभावितों को अभी मुआवजा देना शेष है उन्हें शीघ्र मुआवजा भी दिया जाए। कहीं कोई विवाद हो तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण NHAI SDM की अध्यक्षता में गठित संबंधित विभागों की समिति के सहयोग से मामले को सुलझाए। फोर लेन के लिए जहां जहां सुरंगें बनाई जा रही हैं उनकी वजह से पहाड़ियों पर स्थित पानी के प्राकृतिक स्रोतों को सूखने की आशंका को निर्मूल करने के लिए NHAI विशेषज्ञों की मदद से पूरा अध्ययन करवाए, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर रिपोर्ट को साझा करें। उन्होंने कहा कि पंडोक के पास डियोड में कटिंग के कारण पहाड़ी में आई दरारों से जिन 3 परिवारों के मकानों को खतरा पैदा हुआ है उनके लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए और खतरे को देखते हुए NHAI इन परिवारों के जमीन अधिग्रहण व मुआवजे का मामला बनाए। प्रशासन ने डियोड में सड़क पर पुलिस के जवान तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं और NHAI भी अपने ट्रैफिक मार्शल लगाए ताकि यातायात को 24 घंटे ठीक से नियम अनुसार चलाया जा सके। वहीं बैठक के दौरान NHAI निर्माण कार्य के मलबे की डंपिंग के लिए लोक निर्माण विभाग की संपर्क सड़कों का प्रयोग करने पर भी बात की गई। वे उन संपर्क सड़कों की मरम्मत भी तय करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।